बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, फिट होंगे। सॉरी आज मेरा कैमरा नहीं है, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ, तो वीडियो बनाना काफ़ी दिन हो गया, वीडियो नहीं बनाई थी। तो एक चीज़ मिली थी, एक फार्मूला मिला था अक्सर स्किप ट्रेसर्स के लिए या फ्रीलांसर्स के लिए है, अभी ये काम आ जाता है एक्सेल के अंदर। तो फार्मूला है सिंपल सा, चीज़ें मर्ज करने का, मर्ज कैसे करते हैं। अब अगले दिन अब क्लाइंट का जो है मैसेज आ गया, उसको काम करके दिया। क्लाइंट ने कहा कि जी आप ऐसा करो कि मुझे ईमेल जो मर्ज करके दो, और जो आपका सेलर नेम और फर्स्ट नेम, सेलर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यानी कि ओनर फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, ये दो कॉलम्स में इनको सेम एक ही में करके दो। वो मर्ज करना जो है वन बाय वन तो नहीं ना कर सकते, इतनी इतनी बड़ी बड़ी फाइलें होती हैं। इसके लिए छोटा सा जो है मैं आपको तरीक़ेकार बता देता हूँ। अब हमारे पास ये ए कॉलम में क्या है, सेलर फर्स्ट नेम है, ठीक है, बी कॉलम में सेलर लास्ट नेम है, इन दोनों को इकट्ठा करना है हमने, एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ हमारे पास ये जे कॉलम में ईमेल वन है और ये ईमेल टू है, ये दो खत्म कर दूँ, ओके ठीक है, ये दो कॉलम्स के अंदर जो है ये ईमेल्स हैं मेरे पास, तो इनको भी सेम एक ही में करना है। कि उसमें अगर क्लाइंट को हो जाता है ना, कभी इन्होंने को टेक्स्ट ईमेल ब्लास्ट वगैरह भेजने होते हैं, ईमेल कंपेन्स, तो उनको एक ही सेल के अंदर चाहिए होते हैं सारे ईमेल्स एक बंदे के। तो उसके लिए करना क्या है, अब आइए हम अपना आ जाते हैं काम की तरफ। जिन दो कॉलम्स का डाटा आपने मर्ज करना है, उन दो कॉलम्स के आगे खाली कॉलम बनाएंगे, ठीक है, उसका नेम आप बाद में दे देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये बनाएंगे इधर, हम एक हमने इधर बनाना है, एक हमने बनाना है, इधर तो पहले ही खाली है ना, ठीक है, तो इशू वाली बात नहीं है। इसको ज़रा हम बड़ा कर लेते हैं, हमने यहाँ पर फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है, फार्मूला लगाने का मैंने तरीका कर वैसे पहले बताया हुआ कि लगाते कैसे हैं, मेरे वीडियोस हैं बड़ी एक्सेल के ऊपर, आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, ये भी उस प्लेलिस्ट में भी ऐड करूँगा वीडियो, और इधर ऑनलाइन वर्क ट्रेनिंग वाली में भी करूँगा। तो लगाने का तरीका कार सिंपल, आपने पहले ये मुसावी का निशान, जिसको उर्दू में मुसावी कहते हैं या बराबर कहते हैं हम लोग, छोटे तो पढ़ा था ना क्लासेज में, जो छोटी क्लास में, वैसे इसको इज इक्वल टू भी कहते हैं। तो ये लगाना है, ये लगाने के बाद फार्मूला क्या है जी, CONCATE, ये नीचे आ भी रहा है, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ना, क्योंकि एक्सेल में तो होता है ना फार्मूला, तो सारे आ रहे होते हैं ना, NATE, यानी कि नेट, ठीक है। अब ये फार्मूला होता है जो हमने पहले लिखना होता है, उसके बाद हमारा कोई भी जब हमने लगाना होता है तो ये छोटी ब्रैकेट लगा देनी है। तो जो आपके कीबोर्ड के, जो लैपटॉप का कीबोर्ड है या कंप्यूटर का, Shift 9 दबाएंगे ना जी, तो उसके ऊपर ये आ जाता है, ये ब्रैकेट आ जाती है। इसके बाद हमने मिलाना किसको है जी, हमने ए कॉलम को मिलाना है, ठीक है, पहले ए वाला है ना, बी, ए और बी में हमारा डाटा, तो हम यहाँ लिखेंगे A2 सेल नंबर है, सेल नंबर 2 है ना, A2, यानी कि ए कॉलम के अंदर दूसरी रो के अंदर। इन चीज़ों के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि ये हम इनको क्या कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपने ये लगाना है कॉमा, ये कॉमा कहाँ पे होता है, एम के आगे, ये BNM है ना आपके इसके कीबोर्ड के आगे, इसके अगली साइड पर कॉमा होता है। अक्सर है लोगों को नहीं पता, तो मैं इसलिए इतना डिटेल में जा रहा हूँ, अदरवाइज मुझे इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अब इसके बाद ये ऊपर जो दो कॉमे लगते हैं, ये इंटर के लेफ्ट साइड पे होते हैं, ठीक है, कीबोर्ड, हर कीबोर्ड में। अब यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हैं, अगर आप इसके अंदर स्पेस देना चाहते हैं, अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो वो स्पेस जो है आपके मर्ज हुए डाटे में भी नहीं आएगी। अगर आप यहाँ कॉमा लगाएंगे तब भी ये कॉमा आ जाएगा उसके अंदर। ये पहले फार्मूला हम पूरा कर लेते हैं, वैसे सॉरी एक जो है उसका ये लगा लें पहले, ये देखें यहाँ एक स्पेस दे के, ये एक, फिर ये दो कॉमे लगा दिए हमने, फिर हमने आगे इसके फिर एक छोटा नीचे वाला कॉमा लगाया, ठीक है ना, जो नीचे आ जाता है। अब दूसरा कॉलम हमने सेल कौन सा करना था, B2, ठीक है, B2 सॉरी हाँ नहीं B2 ही करना है, मैं गलत कर रहा हूँ, A2 एंड B2, इसको हमने कर दिया एंटर, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको क्लियरली दिखा दूँ, हमने एक सेलेक्ट किया, ये देखें कॉनकटेन क्या लिखा था, कॉनकटिनेट A2, आगे दो कॉमे आगे, उसके बाद ये हमने फार्मूला लगाया, ठीक है ना, ये फार्मूला लगा के हमारा, इसको अगर डबल क्लिक करेंगे तब भी वही आएगा। तो ये क्या चीज़ आ गई है, कैरन टेस्लर, यानी कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम इकट्ठा हो गया। अब फार्मूला हमने यहाँ पे लगाना है, उसके बाद ये जो निशान बना होता है, यहाँ से हमने पकड़ा लेके यहाँ तक आ गया, हाँ जी। अब देखें
रोज एंड डेलिला फिनी, ये आ गया नेम, ठीक है। इसमें है फार्मूला ही। अब एक चीज़ और जो मेन चीज़ है, अगर ये तो आपके पास फार्मूला है ना, अगर आप इसको डबल क्लिक करोगे ये आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से कॉपी करके जाके फिर स्पेशल करते हो तो भी ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करें इस डेटा को, यहाँ पे कंट्रोल सी, ठीक है, और ये सॉरी कंट्रोल वी नहीं करना था, यहाँ हमने करना था कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल शिफ्ट सॉरी कंट्रोल आल्ट वी, मैं भूल जाता हूँ ये चीज़ें, कंट्रोल आल्ट वी। फार्मूलाज नहीं करना हमने, सिर्फ वैल्यूज़ करनी है। पेस्ट स्पेशल में आ गया ना, आल की जगह पे वैल्यूज़, ये हमने वैल्यूज़ कर दी। अब यहाँ पे सिर्फ नेम आ रहा है हमारा, वो फार्मूला ख़त्म हो गया, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं। या इसका और तरीकेकार होता है, आप ये देखें यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन में भी स्पेशल आ रहे होते हैं ये, इसको मैं आपको थोड़ा सा कॉपी करके वैसे दिखा रहा हूँ चीज़ करने के लिए। पेस्ट स्पेशल यहीं से हमने निकाल दिया, और ये फार्मूलाज पेस्ट, ये फार्मूलाज नंबर, ये नीचे आप देख रहे हैं चीज़ें सारी की सारी आपको यहीं पे वो दे देता है कि आपने क्या चीज़ करनी है। ये पेस्ट वैल्यूज़ में हम यहाँ पेस्ट वैल्यू कर देते हैं तो ये वैल्यू ही आएगी, ठीक है। इसी तरह से हम सेम दूसरी उस तरफ भी लगा सकते हैं जो आपका है ना, एक मिनट, अगली साइड पे ये ईमेल जहाँ पे हमने करने थे, ईमेल के लिए भी आप सिंपल इसको ज़रा कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद ये हमने लगा दिया यहाँ पे फार्मूला, और यहाँ पे हमने सिर्फ चेंज क्या करना है, ये M2 वाला लास्ट में आएगा ना, और ये क्या है L2, एंटर। अब यहाँ ये फार्मूला तो लग गया, ठीक है, लेकिन यहाँ तो डाटा नहीं था ना इस जगह पे, दोनों जगह पे। ये हम इसको जब नीचे लेके आएंगे, ठीक है, ये वहीं पे आ गया, यहाँ दो ईमेल्स थे हमारे पास, तो ये डबल हो गए हैं। अब इसका कुलिया वही, कॉपी करके नेक्स्ट कॉलम में जाके आप इसको पेस्ट स्पेशल में वैल्यूज़ जो हैं वो पेस्ट कर देंगे, ताकि आपका जो डाटा है वो टेंशन फ्री हो गया। ये देखें अब इसके अंदर ये आ गया। अच्छा, जब ईमेल्स आप लोग कर रहे थे, मैं एक चीज़ ये दोबारा वाजे करना चाह रहा हूँ कि ये फार्मूला के अंदर यहाँ डबल स्पेस दे के बेशक एक कॉमा लगा दीजिएगा। ये कॉमा लगाने से क्या होगा कि ये तो इसको बता दो, ठीक है। अब यहाँ मैंने वो लगाया ना, तो यहाँ तक आपको दिखा देते हैं। अब वो कॉमाज आ गए हैं। कॉमाज क्यों आए हैं? कॉमाज भाई इसलिए आए हैं, ये अब सेंटर में कॉमा आ गया, ठीक है, देख रहे हैं ना आप लोग, बिल्कुल सिंपल हो गया काम। जब ईमेल्स आपने इकट्ठे करने, दो कॉलम में मर्ज करना है आपने डाटा को, तो आप उसके दरमियान में लगा सकते हैं, ठीक है, आप उसके सेंटर में कॉमा लगा सकते हैं, या कोई भी चीज़ जो आप लगाना चाहें। मीन्स कि अब ये मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया ना, ये फार्मूला देख रहे हैं, यहाँ कॉमे की जगह पे अगर मैं एक दो चीज़ों को मर्ज कर रहा हूँ, तो वहाँ मैं डॉट लगाना चाह रहा हूँ, डॉट लग जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मैं ये लगाना चाह रहा हूँ, सेमी कॉलम लग जाएंगे, ये स्लैश लग जाएगा। जो चीज़ आप लिखना चाह रहे हैं इस फार्मूला में लिखते के दौरान, ये दो जो कॉमाज आपने बड़े लगाए हैं ऊपर, जो दो कॉमे लगते हैं इनके सेंटर में, आप जो चीज़ भी लिखेंगे ना, तो दो कॉलम्स की जो चीज़ आप मिक्सअप कर रहे हैं, आप मर्ज कर रहे हैं, उसके दरमियान में वो चीज़ लिखी जाएगी, ठीक है। आप सिर्फ एक जस्ट स्पेस दे के करना चाह रहे हैं, अगर नेम में तो आपको ज़ाहरी बात स्पेस ही देंगे ना, उसमें आप स्पेस दे सकते हैं। ईमेल्स में आपको कॉमा चाहिए होगा तो आप कॉमा दे देंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सा कुलिया लगाने का आसान सा तरीक़ाकार है, ये अक्सर मर्ज करने पड़ जाते हैं, ख़ासकर स्ट्रेसर्स के लिए तो ये ज़रूरी है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, कोई ना कोई इसमें सीखने को मिली होगी। तो अगली वीडियो तक के लिए जी सबको अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।